हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर मैं इंग्लिश भाई छवि सर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एमए सेमेस्टर थर्ड इंग्लिश लिटरेचर से डब्ल्यू वी ईट्स की पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। जिस किसी ने पार्ट फर्स्ट न देखा हो तो वह एमए सेमेस्टर थर्ड नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट सेकेंड ऑफ सेलिंग टू बाइजेंटियम। और पार्ट सेकेंड में जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेंजास आर इन पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम, यानी सेलिंग टू बाइजेंटियम पोयम में टोटल कितने स्टेंजास हैं। तो इस पोयम में जो स्टेंजास हैं वो हैं 4, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट इज द सिंबोलिज्म ऑफ द गोल्डन बर्ड, सेलिंग टू बाइजेंटियम पोयम में द गोल्डन बर्ड शब्द का यूज किया गया है और इस गोल्डन बर्ड का सिंबोलिज्म क्या होता है। तो गोल्डन बर्ड का जो सिंबोलिज्म होता है, द फ्रीडम एंड फ्लाइट ऑफ द सोल, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी आत्मा की स्वतंत्रता और उड़ान। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टेंजास, यानी सेलिंग टू बाइजेंटियम पोयम के प्रत्येक स्टेंजास में कितनी लाइन्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 8 लाइन्स हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सिंबोलिज्म ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, अनएजिंग इंटेलेक्ट का सिंबोलिज्म क्या होता है। तो अनएजिंग इंटेलेक्ट का जो सिंबोलिज्म है, द इनसिग्निफिकेंस ऑफ टाइम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी समय की असंवेदनशीलता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और क्वेश्चन नंबर है 5। एन एज्ड मैन इज बट अ पल्ट्री थिंग, द लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड, ये जो लाइन है, एन एज्ड मैन यानी जो बुढ़ापा होता है, इज बट अ पल्ट्री थिंग, एक तुच्छ वस्तु होता है, तो इसमें किस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है स्वरों की एकता। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिंबोलिज्म ऑफ फिश फ्लैश और फाउल, फिश फ्लैश और फाउल का सिंबोलिज्म क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द ट्रांजियंस ऑफ लाइफ, यानी जीवन की क्षणभंगुरता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ए टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड, ये जो लाइन है सेलिंग टू बाइजेंटियम में यूज हुई है और इस लाइन में किस लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है वो है ऑप्शन बी, यानी मेटाफर, यानी रूपक अलंकार का यूज हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स यूथ, यानी युवाओं के प्रति स्पीकर का दृष्टिकोण क्या है। तो युवाओं के प्रति स्पीकर यानी वक्ता का जो दृष्टिकोण है वो है नॉस्टैल्जिक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है उदासीन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, 9वां क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डब्ल्यू वी ईट्स, डब्ल्यू वी ईट्स का पूरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो सबके पास होगा, डब्ल्यू वी ईट्स का जो पूरा नाम है वो विलियम बटलर ईट्स है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पोएट्स पर्पज, कवि का उद्देश्य क्या है
इन सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम पोयम में। तो कवि का जो उद्देश्य है सेलिंग टू बाइजेंटियम में, टू एक्सप्रेस हिज लॉन्गिंग्स, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना, फॉर इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मैकरल इन द लाइन मैकरल क्राउडेड सी। ये जो लाइन है मैकरल क्राउडेड सी, इसमें मैकरल का क्या मतलब होता है? तो मैकरल का जो मतलब होता है ए टाइप ऑफ फिश, यानी समुद्र में पाई जाने वाली एक प्रकार की मछली होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेन कॉन्ट्रास्ट इन द पोयम। पोयम में मेन कॉन्ट्रास्ट क्या है? तो यूथ वर्सेस ओल्ड एज, ये पोयम के अंदर जो मेन कॉन्ट्रास्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम बिगिंस विद ए डैश सेंटेंस। ये जो पोयम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये किस सेंटेंस से शुरू होती है? तो ये जो पोयम है शुरू होती है डिक्लेरेटिव सेंटेंस से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी घोषणात्मक सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, वेयर इज द रियलम ऑफ इंटरनल ब्यूटी। इंटरनल ब्यूटी का रियलम कहाँ होता है, क्षेत्र कहाँ होता है? तो इंटरनल ब्यूटी का जो रियलम है इस पोयम में बाइजेंटियम है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स, यानी जो सेजेस हैं, जो साधु संत हैं, वो भगवान के लिए कहाँ पर खड़े हैं? तो इस पोयम में बताया गया है जो सेजेस हैं, जो साधु संत हैं, भगवान की सेवा के लिए खड़े हैं होली फायर में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये तो हो गए पार्ट सेकंड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाई छवि सर चैनल।